प्रेम से बोलिए सतदेव महाराज की जय। हमारे ऑपरेटर साहब की दुनिया अलग है और इनका ऑपरेटर की दुनिया अलग है। ठीक है, काम चल रहा है, काम चलना चाहिए। अभी हमारे अग्रज सदहे अग्रज श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने मुखारविंद से उद्गार उलल रहे थे। जैसा मैंने आगाह किया ये नहीं कहूंगा, जैसी मेरी भावना बनी कि ऐसा आज कुछ कहिए कि हम लोगों का दिल और दिमाग गदगद हो जाए। सचमुच में अपने प्रवचन की शुरुआत उन्होंने इस ढंग से की और समापन भी ऐसा किया कि जैसे लगा ही नहीं कि मंच सॉफ्ट हो गया, मंच पर गुरुजी विराजमान नहीं, यानी सारी शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे होता गया और उनके मुखारविंद से प्रवचन की वाणी निकृत होती गई। उन्होंने माता सबरी का जिक्र किया। माता सबरी मतंग ऋषि के सानिध्य में उनके आश्रम में वो रह करके और ईश्वर की साधना वो कर रही थी। माता सबरी कोई कहते हैं वो एसपी थी, कोई कहते हैं वो एसपी थी, किडवल ट्राइब या किडवल का पिछड़ हरिजन या आदिवासी, लेकिन फिर वो अछूत इस देश के छुआछूत की भावना आज नहीं है, उस जमाने में भी थी। इसका उदाहरण मानस के बड़े बड़े जानकार जब प्रवचन करते हैं तो सुनने को मिलता है कि वहां जो ऋषि महर्षि रहा करते थे, इस धारा में, इस तालाब में नहाते थे, उनका जाना वहां परिचित था। माता सबरी को प्रवेश करने नहीं देने के पाप से पानी पीप हो गया था, मवाद हो गया था, लेकिन फिर भी ऋषियों को समझ में बात नहीं आई। भगवान राम जब आए और पहली बार जब पहली दफा उनके आश्रम में गए तब ऋषियों का दिमाग खुला कि जिसको मैं ज्ञानी समझ रहा था वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि भगवान राम का प्रदर्शन पहली दफा उनके आश्रम में हुआ है। कई उसमें सुनते बहुत हजार वर्ष लोग बैठे थे, बहुत हजार वर्ष तक उन्होंने, जैसा कि भाई साहब ने कहा, मतन ऋषि के अभिवासन पर वो भगवान राम रमा अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। नवधा भक्ति भगवान राम ने बताई, लेकिन मानस के जानकार, लेकिन मैं पूरा मानस पढ़ा नहीं हूं, कहा था कि हे सबरी, आप तो नवधा भक्ति से खुद मर सकते हैं, फिर भी तुम्हारी पीढ़ी को संदेश कहाँ मिलेगा, इसकी वजह से मैं आपको सुनाता हूँ नवधा भक्ति, आप सुनिए और मर्मज्ञ है आप, आपने किसी चीज की कमी नहीं है, आपने जी के जी मुक्ति पा ली है, आपके अंदर में लिख मात्र भी माया या छुटता विराजमान नहीं है। आज जो इतिहास बदलने की बात देश में चल रही है, वो इतिहास बदलना चाहते हैं कि उनको दिल में कटोता मारता है, किसी घर में कोई चोर घुस गया तो चार
और कहीं अखंड कीर्तन हो रहा था तो बुढ़िया के साथ एक चोर भी कहता था कि चोर हो चोर हो। वही बात आज समाज में हो रही है। समाज को ये समझना चाहिए कि एक लगता अंगूठा कैसे कटा। आपको ये समझना चाहिए कि हवाई जहाज पर एसी एसी के स्तर पर चेताव क्यों कर दिया गया। एक परंपरा आज भी जीवित है और इतिहास कहा जाता है हम लोगों को बदलने की। इस पर समझना होगा हम लोगों को इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। गांधी और बुद्ध के प्रवचनों को तोड़ मोड़ करके और अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की साजिश कर रही है व्यक्ति। भाइयों इन बहनों, सत्संग भी है और देश भी है। देश है तब है। अब यहाँ बात थोड़ी सी अथवा और मैं वक्त लूंगा। कहना ये है कि जाति रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी चिंतन की। जैसा कि अग्रज ने कहा, हमने भावना को गंदा कर लिया है। जो हमको बहकाया जाता है उसी में हम बहक जाते हैं। घर को ज्योति दरबार में भक्ति की बुनियाद डाली जाती है, रूप चंगा नहीं किया जाता है। जब पहली दफा हमें तिरुपी बा से मुलाकात हुई थी, दुख तो सही हुए हैं, दुख के सदर मैंने कहा कि बाबू सुनिए, जो मैं हूँ वो आप हैं, जो मैं हूँ वो आप हैं, जो ज्ञान मैंने जाना है गुरु से मैं आपको दे देता हूँ, उसी से अर्जी करिए। यहाँ घर को ज्योति दरबार में पर्ची नहीं निकाली जाती है, यहाँ अर्जी लगाई जाती है। आपको खुश होने को कहा जा रहा है, पर्ची निकल गई आपके नाम पर, पर्ची निकल गई आपके नाम पर, आठों अंग तेढ़ा है, आप गुंगा है, जाइए बजरंग बली भला करेंगे। कितने का भला हुआ पर्ची निकालने से, कितने का भला हुआ, अर्जी लगाई जाती है, खुद साधना करिए। आप भगवान जो दुनिया में आए उसे तो दुख ही दुख होना है। महात्मा तुलसीदास जी ने मान मुझे क्या कहे कि वो हनुमान चरिता में लिखा क्या है कि सत बार पाठ करे जो कोई छुटे बंद महासुख होई। सत बार सौ बार जो पाठ करेगा, यानी हनुमान हनुमान की वो रट लगाएगा, पर दिन चल रहे कल्याण नहीं होगा। हमारे नजदीक में ही संगेश्वर धाम में बाबा आए थे, वो भी एकदम कैलाहर बाबा के साथ सबका कल्याण करते थे, किसी का कल्याण हुआ रातों भक्त। ये है प्रचार करने का तरीका, हठकंडा है। अब बड़े बड़े टीचर उनकी आरती उतारे ताकि आदमी लॉन्च हो और दुखिया दुखियारी ही रह गया। गुरु के सानिध्य में जाइए, प्रवचन सुनिए, जो गुरु बताता है वो करिए, तब सबका कल्याण होगा। प्रेम से बोली श्री गुरु महाराज की जय। चलिए मैं मंडापीन अग्रज विनय जी जो बढ़िया शिक्षा का हम लोग की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत साधना, और हमें लगता है घर को ज्योति दरबार में गुरु पद पर, गुरु सत्ता के पद पर सर्वमान्य आसीन लगभग हो चुके हैं। तीनों के बाबा अभी शरीर में हैं, लेकिन उत्तराधिकारी जभी सर्वमान चरु गुरुजनों ने यही लालसा थी, हम सबों की भी यही लालसा है, क्योंकि पहचान ने गुरु इन्हीं को किया। आइए दिनेश जी, आप अपने मुखार्जुन से हमें सुनाइए।